गाय के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से प्रारंभ होती है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, उनमें 3 प्राणी रत्न है, 7 सूंड वाला श्वेत ऐरावत हाथी, सप्तमुखी उच्चवैष्ट्रवा घोड़ा और कामधेनु रूपी 5 गौ माताएं प्रकट हुई, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। इन 5 गौ माताओं की सेवा हेतु पंच ऋषियों ने इन्हें प्राप्त किया। जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम। तो आइए आप और हम मिलकर करें गौ माता की वंदना। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम, सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम, पावन जाप मंगलम। कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम, कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम, साजो गौ सेवा गौ संग मंगलम, साजो गौ सेवा गौ संग मंगलम, साचे मन से सेवो गौ भक्ति मंगलम, साचे मन से करो गौ भक्ति मंगलम, वचन सिद्धि होवे गौ शक्ति मंगलम। बालाजी गौशाला संस्थान में हमारे दिल के बहुत ही नजदीक और हमारे परिवार के सदस्य के रूप में राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, देवस्थान मंत्री, शिक्षा मंत्री बृजकिशोर जी शर्मा बालाजी के दरबार में हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के पश्चात श्री बालाजी गौशाला संस्थान में भी आए, यहाँ अपने परिवार के परिवार सहित जो है गौ माता के दर्शन किए, गौ पूजा की और एक गाय का जो है दान किया। हमारे संस्थान में आपका बड़ा स्वागत है बालाजी महाराज, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करें, आपको कैसा लगा सर? देखिए मैं सालासर बालाजी के दरबार में पिछले कई वर्षों से आता रहा और जो आस्था होती है तभी आदमी कहीं जाता, और उसी आस्था के अनुरूप मैं पिछले 5-10 बरस में आया हूँ, 15 वर्षों में साथ था। लेकिन जब मैं करीब महीने भर पहले मेरी पत्नी ने कहा है मेरा साल आया था, उस समय इसके आने में पत्नी के आने की इच्छा की, लेकिन इसकी थोड़े शारीरिक परिस्थितियों की वजह से वो नहीं आया, उसके बाद इसका मैं तो अकेले चल गया। इसकी बहुत इच्छा थी कि इसको पता नहीं कैसे पता लगा, मैं तो कभी इतनी बार आया किसी ने मुझे गौशाला के बारे में नहीं बताया। जब उसने कहा कि मैं बाकी गौशाला देखना चाहती हूँ तो दर्श भगवान के दरबार में दर्शन करने के बाद हम दोनों यहाँ गौशाला देख ले आए और यहाँ के गौशाला के रख रखाव, गायों का किस कितनी तारीफ करो, गायों को जिस तरीके से रखा जाता है, गायों को जिस तरीके से सेवा की जाती है, गायों को जिस तरीके से सारी फैसिलिटीज है, बड़ी अच्छी बात है गायों को चारा मिलता है, बहुत अच्छी बात है गायों को आलो का पानी मिलता है, बहुत अच्छी बात है कि गायों की देख रेख के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है,
ऑपरेशंस भी होते हैं, ग्रेन्स भी हैं, हरा चारा उगाने के लिए साधन है। और ये गाय तो वो ये साधन तो उनके लिए है, ये चीज़ें तो उनके लिए हैं जो गाय दूध देती नहीं है। जैसा मुझको बताया गया है उसके मुताबिक करीब 2000 गाय ऐसी हैं जो जिनका कोई दूध से कोई गौशाला को उसका आमदनी नहीं होती। मैंने देखा कि करीब 25-30 गाय ऐसी हैं जो सिर्फ दूध देती है। अब उसका दूध जो है वो सिर्फ भगवान के चरणों में जाता है, उनके पूजा में जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी से प्रेरणा लेके मेरी पत्नी ने जब यहाँ से रास्ते में गए तो बोले मुझसे कहा कि मैं एक गाय दान में यहाँ देना चाहती हूँ, नहीं मैं इच्छा पूरी करेगी। और उसी के मुताबिक मैंने आपसे भी तलाश किया तो आपने कहा कि यहाँ पर 4-5 किलो की दूध गाय मिलती है। इसकी इच्छा थी कि 8-10 किलो 10-12 किलो दूध के गाय दूध तो ऐसी दूध हो 10-12 किलो दूध दे। फिर हमने तलाश किया तो मेरे को घर में पिछले 5-7 वर्ष से एक दूध देने आता है, उसने इसने उससे कहा कि मेरे को गाय तलाश करके दी। उसने गाय तलाश करके दी और सौभाग्य से जो है आज वो आज का दिन था कि उस गाय को वहाँ से नई के नाथ के पास से लिया। नहीं और जो कितनी भगवान की कुदरत है, इसे भगवान की देन मानता हूँ। इस गाय को ये आना था, वहाँ से जब चली है तो नई के नाथ के दर्शन करके चली है, नई के नाथ में नहा के चली है। 2000 जयपुर मेरे जनता बने मकान पे आई, हमने इसकी पूजा जो भी करना था वो की। दान का जो होता है तो यहीं पर करना पड़ता है, आपके धन का जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो भी हमने पूरी की। और हमें खासतौर से मेरी पत्नी की बहुत आत्मा खुश है, उसने आज गौ दान जो किया है वो ऐसी जगह किया है जिसमें उसकी आत्मा प्रसन्न है। और ये भी विश्वास है कि जो गाय और बछड़ी और बछड़ा जो दिया है वो यहाँ पर सुख पाएगा, यहाँ गाय का मिसयूज नहीं होगा, यहाँ गाय का सदुपयोग होगा। और इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जो गाय का दूध है वो भगवान के चरणों में जाएगा, उसको भेंट होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए हमने मेरी पत्नी का मिशन पूरा किया है। मैं भगवान से सलाह सदी से प्रार्थना करता हूँ इसकी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, जो भी कोई छोटी मोटी तकलीफ है वो दूर हो, बस यही बात। यही हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार में हमेशा ही खुशियाँ रहे। जय श्री बालाजी की, जय गौ माता की।